अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद गुफरान आपका इस्तकबाल करता हूँ एक और इस्लामिक इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में। तो शुरू करते हैं बिना ज़्यादा बात किए। आपका सवाल है, शबे कदर में ज़मीन पर कौन आता है? आपके ऑप्शन हैं, पहला अल्लाह, दूसरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीसरा जिब्राइल अलैहिस्सलाम, चौथा मलिकुल मौत। इसका सही जवाब है रूहुल कुद्दूस, यानी तमाम फरिश्तों के सरदार। जिब्राइल अलैहिस्सलाम शबे कदर में फरिश्तों के साथ अल्लाह का हुक्म लेकर जमीन पर नाजिल होते हैं, और यही वो रात है कि जब ये बात तय हो जाती है कि अगले साल कौन कौन पैदा होगा और किस किस का इंतकाल होगा और किस को कितना रिज्क मिलेगा, और यही वो रात है कि जब कुरान करीम को नाजिल किया गया था। और यह रात हजार महीनों से बेहतरीन रात है कि जब कोई मुसलमान इस रात को हासिल कर लेता है तो उसके नामे आमाल में 1000 महीने यानी कि 82 साल की इबादत का सवाब लिख दिया जाता है। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम शबे कदर में ऐसे शख्स को देखते हैं जो खड़ा होकर या बैठकर अल्लाह ताला की इबादत कर रहा होता है, अल्लाह से दुआ मांग रहा होता है या अल्लाह के जिक्र में मशगूल होता है, तो फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अलैहिस्सलाम उस मुसलमान के लिए अल्लाह से रिज्क, बरकत, आफियत और मुसीबतों से निजात पाने की और दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयों की दुआ करते हैं। सही मुस्लिम बुखारी में सही सनद के साथ हदीस मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने सवाब की उम्मीद में और अपनी इस्लाह की नीयत से शबे कदर में क़याम करके इबादत की तो अल्लाह ताला उसकी पिछली ज़िंदगी के तमाम गुनाह माफ़ कर देते हैं। सामईन हजरात, शबे कदर का जिक्र कुरान करीम में और हदीस मुबारका में कसरत से मिलता है, और इस रात की इतनी ज़्यादा फजीलत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में एक सुरह शबे कदर के ऊपर नाजिल फरमाई है कि जिसमें सिर्फ शबे कदर का जिक्र है। इसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि तुमको क्या मालूम कि शबे कदर कितनी ज़्यादा फजीलत वाली रात है। शबे कदर मरतबे और अमल के एतबार से हज़ार महीनों से ज़्यादा बेहतरीन रात है। यह रात रमज़ान के आखिरी अशरे में आती है। हदीस पाक में जिक्र है कि अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बता दिया था कि फला तारीख को शबे कदर आती है, लेकिन जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुबारक खबर सहाबा को बताने के लिए निकले कि उससे पहले दो आदमियों का झगड़ा हो गया, और यह देख कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल गए कि वो कौन सी रात है जिसके बारे में अल्लाह ने बताया था कि इस रात को शबे कदर होगी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ ही ये भी इरशाद फरमाया कि शायद इसमें अल्लाह की कोई बेहतरी होगी। नाज़रीन हजरात, बहुत सी हदीस में जिक्र है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शबे कदर को रमज़ान की आखिरी ताक रातों में तलाश करो। 21, 23, 25, 27 और 29वें रमज़ान की रात, यह पाँच रातें हदीस से साबित है कि इनमें से किसी एक रात को शबे कदर आती है। और उलमा हजरात फरमाते हैं कि यह हर साल बदलती रहती है। एक सही हदीस के मुताबिक शबे कदर की एक निशानी है, जिस रात शबे कदर होती है तो शबे कदर वाली रात के अगले दिन सुबह के वक्त सूरज में रोशनी कम होती है, इस वजह से वो एक गोल टिकली की तरह नजर आता है। अल्लाह से दुआ है कि मुझे भी और आपको भी इस रात इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और रमज़ानुल मुबारक के तमाम रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सभी भाइयों और बहनों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी शबे कदर की फजीलत मालूम हो सके। मैं मोहम्मद गुफरान मिलता हूँ अगली इस्लामिक इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में। इंशाल्लाह जिंदा रहा तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।